खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना हमने देखा है 2014 में और उनका कमिटमेंट देखा मरीजों के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, देश में बड़े बड़े चिकित्सा के संस्थान बने उस बात के लिए, नए नए डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो, डॉक्टरों की कमी दूर हो, और उस सब सपने को केवल सपने के रूप में नहीं देखा, उसको साकार करने के लिए इस प्रकार की सोच लेकर योजनाएं बनाई। सरकारों के अंदर योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन वर्षों और दशकों तक उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से हम देखते हैं कि दूर दूर तक उनका दोनों का आपस में रिश्ता नहीं होता। अभी बताया गया कि ये जो आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है इसको 2016 में मेरे सहयोगी जे पी नड्डा जी ने आकर जो है वो सदर स्वास्थ्य मंत्री को दिया था और 2019 के अंदर हम लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी जो सुरेश जी को थोड़ा सा ऐसा ऐसा भी कह रहे थे, लेकिन मैं हिसाब लगाया तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद और केवल उत्तर प्रदेश में ही जो है एक प्रकार से 26 मेडिकल कॉलेजेस नए और 17,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट जो है